हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वंडरफुल मील। मैं ज्योति आज बनाने जा रही हूँ भिंडी। जी हाँ, भिंडी वो भी ग्रेवी में, क्योंकि सूखी भिंडी खा खा के आप सभी बोर हो गए होंगे। तो भिंडी को ग्रेवी में बना रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी होती है। ये रोटी पूरी पराठा चपाती सभी के साथ बहुत अच्छी लगती है, जिसे आप सब बना सकते हैं। लेकिन क्या करना होगा, आप सभी को मेरा पूरा वीडियो देखना होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो और मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या करना भूल गए हैं, वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। 200 ग्राम भिंडी ली हैं, इन्हें बड़े पीस में काट लिया है, यानी एक भिंडी में से दो पीस कर लिए हैं। अब एक थाली लेती हूँ, इसमें डालती हूँ 2 टेबल स्पून बेसन, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टी स्पून नमक। अब इन सभी को मिला लेते हैं। भिंडी है इसमें डाल देती हूँ, इन्हें अच्छे से कोट कर लेते हैं, यानी बेसन में लपेट लेंगे। देखिएगा कुछ इस तरीके से। अब इस भिंडी को मैं अलग बर्तन में रख लेती हूँ। अलग बर्तन में रख दिया है। अब जो बेसन बचा है ना, उसे ग्रेवी में यूज करेंगे। पैन रख दिया है, इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालती हूँ। ऑयल मेरा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डालती हूँ चुटकी भर हींग। मस्टर्ड ऑयल मैंने यूज़ किया है। इसी के साथ डालती हूँ मैं भिंडी। भिंडी को सैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है, इसीलिए मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल का यूज़ किया है। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है। जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाए तब तक पकाते रहना है। ये देखिएगा भिंडी हमारी सॉफ्ट हो गई, यानी पक गई है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और ग्रेवी बनाती हूँ। पैन रख दिया है, इसमें डालती हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल। इसमें डालूंगी 1/2 टी स्पून जीरा, छोटा दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, 2 लौंग, 4-5 काली मिर्च, 1 तेज पत्ता, चुटकी भर हींग और हरी इलायची। इन सभी को ऑयल के अंदर डालती हूँ। ये लीजिए डाल दी है, अच्छे से ये रोस्ट हो गए। साथ में डालती हूँ बारीक कटा प्याज, इसे थोड़ा सा चला लेते हैं। और इसी के साथ 1 टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी लहसुन अदरक का पेस्ट, वो डाल देती हूँ। अब इसे फिर से चला लेते हैं। जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए तब तक चलाते रहना है। प्याज हमारा पक गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ बेसन, जो भिंडी का बचा था ना, जब भिंडी कोट की थी वही बेसन को मैंने डाल दिया है इसमें। अब इसे 1 मिनट तक चला लेते हैं। अब डालती हूँ 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। इसे 1 मिनट तक चलाते हैं। अब इसमें डालती हूँ हरी मिर्च व टमाटर का पेस्ट, जो मिक्सी ग्राइंडर में मैंने 2 टमाटर 2 हरी मिर्च डालकर बारीक पेस्ट बना लिया था। इसे चलाते रहेंगे। अब डालती हूँ 2 टेबल स्पून ताजा दही। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इसे रेगुलर चलाते रहेंगे। याद रखना, जब भी दही आप मलाई या क्रीम कुछ भी डालें तो गैस का फ्लेम लो रखना है और इसे रेगुलर चलाते रहना है। ये देखिएगा अच्छे से दही मिक्स हो गया है। अब डालती हूँ 1 टेबल स्पून मलाई। इसकी जगह फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हो। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो मलाई डाल सकते हो, मैंने मलाई डाला है। यहाँ पर भी गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इसे रेगुलर चलाते रहेंगे। सभी मसाले अच्छे से पक गए हैं। अब मैं डालती हूँ इसमें पानी, साथ में भिंडी। इसे थोड़ा सा चला लेते हैं। आप पानी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, जैसे आप ग्रेवी पसंद करते हो वैसा पानी डाल सकते हो। अब डालती हूँ थोड़ा सा नमक। याद रखना, नमक पहले भिंडी में डाल चुकी हूँ जब भिंडी को सैलो फ्राई किया था, इसलिए नमक थोड़ा ही डालना है। अब मैं इसे कवर कर देती हूँ।
से चला लेते हैं, फिर से कवर करती हूँ। ये देखिएगा हमारा मसाला भिंडी बनके तैयार हो गई है। मसालों ने अपना कलर छोड़ दिया है, कितनी टेस्टी दिख रही है ना। अब इसे थोड़ा सा चला लेते हैं। इसमें डाल दिया है गरम मसाला, इसे चलाते हैं फिर से। अब इसमें डालती हूँ हरा धनिया। हरा धनिया डाल दिया है क्योंकि हरा धनिया से ना सब्जी का स्वाद दुगना हो जाता है, इसलिए मैंने हरा धनिया डाला है। ये लीजिए, बनके तैयार हो गई हमारी ग्रेवी वाली नकरीली भिंडी। गैस को करती हूँ बंद और इसे लेती हूँ बाउल में। ये देखिएगा इसकी ग्रेवी, जितनी ये ग्रेवी देखने में अच्छी लग रही है उतना ही इसका टेस्ट डबल है। टेस्ट में बहुत ही अच्छी है। प्लीज़ आप इस मसाला भिंडी को ज़रूर बनाएं, ये पूड़ी पराठे रोटी सभी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।